काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों को अपनी लाइफ में एक न्यू पार्टनर, एक न्यू लवर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इनको आपको अट्रैक्ट करने के बारे में बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये लोग इजीली अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, आपका ट्विन फ्लेम या आपका सोलमेट या आपका न्यू लवर, लेकिन आपको इसके पहले खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टाइप रिलेशनशिप चाहते हो, सो आपको अपने लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे? क्या यूं ही बैठे बैठे आपकी ज़िंदगी में न्यू लवर या न्यू लाइफ पार्टनर आ जाएगा? उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक बेहतरीन प्रिपरेशन, खुद को तैयार करने की प्रिपरेशन। तो आज का वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सिंगल्स हैं और जो किसी भी कमिटमेंट में नहीं है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, जिसका कमिटमेंट मैरिज हो, जिस बहुत ब्यूटीफुल मैरिज हो, आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर हो, या एक न्यू लवर की आप तलाश में हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हो। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आप मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से अब तक आपकी ज़िंदगी में न्यू लवर या न्यू सोलमेट या फिर वो आपका ड्रीम लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिला है। पहली चीज़ तो यह है कि आपको सबसे पहले सेल्फ लव करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जब आप किसी नए पर्सन में वो क्वालिटी देखना चाहते हो जो आपकी ड्रीम लाइफ पार्टनर में है, वो लॉयल हो, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी हो, वो स्मार्ट हो, वो ब्यूटीफुल हो, ये सब चीज़ें अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फिलहाल अभी करंट आपकी सिचुएशन में, तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, क्या यही सेम चीज़ें आप में हैं? क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हो? क्या आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो? क्या आपकी अपनी कुछ बाउंड्रीज़ हैं? क्या आपकी कुछ अपनी वैल्यूज़ हैं? अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको वही चीज़ देगा जो आपकी एनर्जी रहेगी। आपकी एनर्जी अगर लो है तो आपको सिर्फ ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट होगा जो बिल्कुल ही लो एनर्जी का होगा, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा या आपकी केयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी खुद की एक बाउंड्रीज क्रिएट नहीं की है, आपकी वैल्यू नहीं आपने बढ़ाई है, जिस वजह से यूनिवर्स आपको सेम आपकी ही एनर्जी से मैच खाता हुआ इंसान आपको देगा। सोलमेट तो वो आपको देगा ही देगा, लेकिन सेम उसकी एनर्जी वैसी ही रहेगी जैसी आपकी एनर्जी है। बहुत से लोग सोलमेट में कन्फ्यूज़ रहते हैं। आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगी कि रियल मीनिंग सोलमेट का क्या होता है। तो अगर आप अपने एक ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये वीडियो लड़का और लड़की दोनों के लिए है जो एक ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना लाइफ पार्टनर, उनको अपने लिए कौन कौन से स्टेप्स उस पर्सन को लेना चाहिए। आई रिपीटेड, ये वीडियो सिर्फ सिंगल्स के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन बॉयज़ और गर्ल्स के लिए जो एक अपना लाइफ ड्रीम पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी प्लेलिस्ट आपको मिल रही है सेल्फ लव से रिलेटेड ही डली हुई है, उन प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट करो। उसमें जो टास्क हैं वो डेली बेसिस में करना स्टार्ट करो, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये प्लेलिस्ट को अपनी लाइफ में बिल्कुल उतार लो। सर से पांव तक वैसे ही बन जाओ जो मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको करने के लिए कह रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, कम्प्लीट प्लेलिस्ट डाल दी गई है सेल्फ लव के ऊपर। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, आप अपना बेहतरीन ड्रीम लाइफ पार्टनर नहीं अट्रैक्ट कर सकते। आप चाहे जितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लो, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पैसे खर्च कर लो, जितने भी पर्सनल सेशंस ले लो मुझसे या किसी से भी, लेकिन जब तक आप खुद एक सेल्फ लव में नहीं आओगे, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, पूरा कंप्लीटली खुद को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे कि यस, मैं जो हूँ जैसा हूँ परफेक्ट हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ परफेक्ट हूँ, आई लव माई सेल्फ, जब तक ये तीन वर्ड को आप पूरी तरीके से फील नहीं करोगे कि यस आई लव माई सेल्फ, आई लिटरली Seriously love myself, I respect myself, जब तक पूरी फीलिंग नहीं लेके आओगे तब तक आप कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, नॉट इवन अ सिंगल चॉकलेट। आपको पता है जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी, स्पेशली ये मैटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी की, हर एक लड़का और लड़की की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा सीरियस है कि उसकी लाइफ में एक बेहतरीन पर्सन आए जो उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का वादा करे, जो प्रोमिसेस करे तो वो प्रोमिस निभाए, जो आपको बीच मझधार में छोड़ के ना जाए, जो आपके लिए मतलब आपके लिए ही स्टैंड ले, आपके लिए अपनी लड़ जाए मतलब, लेकिन प्यार एकदम आपसे सॉलिड वाला प्यार करे। सो ऐसा सॉलिड वाला प्यार ना सबसे पहले आपको खुद से करना होगा। सो आज से, अभी से, अगर आप किसी लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उससे थोड़ा सा फोकस हटा के पहले खुद को खुद के साथ कनेक्ट करो, पहले खुद को मैनिफेस्ट कर लो। आप सेल्फ लव इतना कर लो जब तक आपका प्यार का जो एक कप है ना वो पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाएगा, तब जाके आप वो प्यार का कप किसी और को दे पाओगे। अगर आपका खुद का ही
जो कप है प्यार वाला कप वो आधा फिल है, तो आप आधा प्यार किसको बांटोगे? किसी को नहीं दे सकते ना। सिंपली पहले खुद में पूरी तरीके से कंप्लीट फिल हो जाओ, खुद के प्यार में एकदम बिल्कुल, मतलब ऐसे खुद के साथ ट्रीट करो कि आप हो तो बस सब कुछ है। ये वाली फीलिंग अपने अंदर लेके आओ। जब आप ये वाली फीलिंग से भर जाओगे ना, तब यूनिवर्स खुद ऑटोमेटिक आपके लिए एक बेहतरीन, बिल्कुल हीरा पर्सन होता है ना, डायमंड पर्सन, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लेके आएगा, जो लॉयल होगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करेगा, आपको इतनी केयर करेगा कि जितनी आपने सोची नहीं होगी। वो सारा प्यार आपको मिलेगा जो आपने कभी इमेजिन किया हुआ था। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए है, सो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है, इन सब चीज़ों से 2 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए अपना फोकस हटा के और कोशिश करो खुद के साथ कनेक्ट होने की। अच्छे सॉन्ग सुनो, सैड सॉन्ग्स अपनी प्लेलिस्ट से हटा दो, खुद के साथ प्यार करने लगो, सेल्फ लव करने लगो, मेरा टेक्निक करो, स्क्रिप्टिंग टेक्निक करो, ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। आपका स्किन कलर जो भी है, आपका बॉडी वेट जो भी है, आपकी हाइट जो भी है, आप परफेक्ट हो, एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, दुनिया का कोई भी इंसान, इवन योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, आपको कोई अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सबको आप में सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ कमियाँ नजर आएंगी। वो क्यों? क्योंकि आपको अपने अंदर कमियाँ नजर आ रही हैं। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ राइट नाउ, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको सेल्फ लव में प्रॉब्लम हो रही है, सो आप मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं। आपके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे हेल्प करने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए तैयार हूँ। डिटेल सारी स्क्रीन पे आ रही हैं। सो अगर आप अपना पर्सनल सेशन बुक करवाने के लिए रेडी हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़रूरत है, सो मेक श्योर डिटेल ध्यान से पढ़ो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक स्लॉट दिया गया है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक गाइस। जो भी ये वीडियो देख रहा है, सिंगल्स लोग अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर सेल्फ फर्स्ट नाउ। पहले खुद को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, ढेर सारा प्यार करो। आप बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हो, लेकिन उससे पहले self love, self love and only self love. See you until next time. God bless you all. Jai Hind.